होता ही, अब बरसात के दिनों में कहीं भी पानी जल जमा होगा, कोई रोक देगा पानी को? है ऐसा कोई नियम तो बताइए, हम भी लगा दें पानी बरसात को रोक दें। नगर आयुक्त साहब का, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि एक बार नहीं होगा। वाटर लॉगिंग भाई छड़ी तो होगा ही, छड़ी कोई भी रोक देगा, चाहे नगर आयुक्त साहब रोक देंगे या हमारे मुख्यमंत्री साहब रोक देंगे या आप रोक देंगे, बरसात का पानी कोई रोक दे तो बतावे। नमस्कार आदाब, इस वक्त हमारी मौजूदगी है बाले मियां के मजार के पास, जो इलाही बाग का नदी के किनारे का एरिया है, सुदूर एरिया है। ये पीछे आपके बंधा है, बंधा के बाद का ये एरिया है और अक्सर ये बाढ़ से ग्रसित होता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी यहाँ तक आ चुका है, अभी पीछे कुछ दिन पहले और आगे तक आ गया था, लेकिन जलस्तर घटने की वजह से बाढ़ का पानी पीछे चला गया। आज यहाँ पर गोरखपुर पशु चिकित्सालय से कुछ चिकित्सक मौजूद हैं, वो यहाँ पर अपना रूटीन, जो रेगुलर इनके वैक्सीनेशन होता है जानवरों की, वो यहाँ पर करने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ में जो बाढ़ से ग्रसित जो मवेशी हैं उनके लिए भूसा और चारे का भी इंतजाम है, जो निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करें क्या कुछ हो रहा है। आज आप यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, कैसा कैंप है ये? पशुपालन विभाग से कैंप लगाया गया है। इसमें हम लोग जो है, जैसे पशुओं को बीमारियों से बचाव के लिए हम जो है टीकाकरण करेंगे और साथ में कुछ कीड़े की दवाइयां भी बांटेंगे, और जो पशु या जो पशुपालक जो है इस बाढ़ से प्रभावित हैं, तो उनमें हम भूसा वितरण का भी जो है कार्य करेंगे। ये जो टीकाकरण होता है, क्या ये रेगुलर होता है? हाँ, ये रेगुलर बेसिस पे होता है और ये निःशुल्क होता है। बरसात के मौसम में और जो देखते हैं मवेशी को जो रखते हैं वो ठीक से रख रखाव नहीं होता है, उससे कई तरह की बीमारियां आती हैं। तो आज के जो इस वक्त का जो माहौल है, उसमें कौन कौन सी मेन बीमारियां हैं जिनके लिए आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं? मुख्यतः जो है, जो वैक्सीनेशन किया जाता है पशुओं में, वो दो चीजों का वैक्सीनेशन किया जाता है, एक तो खुरपका मुंहपका है और दूसरा जो है गलाघोटू है। तो मुख्यतः इन्हीं दोनों बीमारियों का वैक्सीनेशन हम लोग करवाते हैं। एक जानवर को कितने दिन पे वैक्सीनेशन इस तरह का लगता है? एक जानवर को खुरपका मुंहपका का जो है, ये साल भर में जो है एक बार या दो बार लगता है, और जरूर इसका जो है गलाघोटू का भी एक बार लगता है। इस एरिया में कितने मवेशी होंगे? क्या सिर्फ ये गाय और बैल और भैंस को ही लगता है कि छोटे जानवर को भी लगाया जाता है? छोटे जानवर में दूसरी बीमारियां होती हैं, टीपीआर बीमारी होती है, उसका टीका कर जब आता है तो लगता है। इस एरिया में कितने वैक्सीनेशन हुए होंगे? तकरीबन जो है 400 के आसपास जो है वैक्सीनेशन जो है होता है। ये जो आप निःशुल्क भूसा वितरण की बात कर रहे हैं, वो कब होगा? ये आज ही होगा, अभी गाड़ी आ रही है, तो भूसा वितरण का कार्य जो है वो कराया जाएगा, और लेखपाल साहब भी हैं, जिला तहसील प्रशासन की तरफ से भी आए हुए हैं, तो आज ही अभी आ रही है गाड़ी, तो भूसा वितरण का प्रोग्राम जो है आज किया जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का साफ साफ कहना है कि यहाँ पर पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है, लेखपाल साहब मौजूद है, तहसील के लोग मौजूद है, यहाँ पर रेगुलर जो वैक्सीनेशन होती है वो वैक्सीनेशन का काम चल ही रहा है। साथ में आज जो है, जो बाढ़ से प्रभावित मवेशी हैं उनके लिए चारे का इंतजाम किया गया है, भूसे का वितरण अभी कुछ देर बाद जो गाड़ियां आती है तो उसको वितरित किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ पार्षद भी मौजूद है, हम आइए उनसे पार्षद से बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनका क्या कहना है? सर, आपके एरिया में बाढ़ ग्रस्त एरिया, क्या प्रिकॉशंस लिए गए? जो जन सुविधाएं हैं, शासन द्वारा अनाज बांटा गया है, दवा बांटा गया है, आज पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, जानवर जो यहाँ बने हुए हैं बंधा किनारे, उनको टीका लगाया जा रहा है, उनके खाने के लिए भूसा वूसा बांटा जा रहा है, जितना भी हो सकता भर सक शासन द्वारा जो भी कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने दी है वो सब धरातल पर उतारा जा रहा है। खाद्यान्न की बात करें तो एक और ये सूचना आई है कि 18 साल के ऊपर के लोगों ही को दिया जा रहा है। जो शादीशुदा है परिवार में उनको भी दिया जाए, जो महरून गांव था वहां सबको दिया गया है, कोई भी वहां बचा नहीं जो भी रहा हो परिवार का। तो ये शादीशुदा का क्राइटेरिया क्या है? जो शादी नहीं है उनको नहीं दिया जाएगा या बच्चे हैं उनको नहीं दिया जाएगा? जो गांव महरून नहीं है, जो पानी में नहीं है, उधर का ये लिस्ट बना है, जिनको जो परिवार में जो शादीशुदा है या उनके माँ बाप है उनको सबको अनाज दिया जाएगा। नहीं, हम मान लेते हैं कि उस एरिया में अगर कोई शादीशुदा नहीं है या बच्चा है तो क्या उसको नहीं दिया जाएगा? उसके परिवार में दिया ही जा रहा है ना, वो उसके परिवार में तो अनाज जा रहा है, अलग नहीं जा रहा है। तो वो सफिशिएंट होगा उनके लिए, उस परिवार के लिए? सफिशिएंट है तभी तो दिया जा रहा है, वो सारे लोग खुश है, वो गाँव के लोग कमाने भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे, पूरा गाँव डूबा नहीं है।
जो जो गांव डूबा है उसको दे दिया गया। थोड़ा सा पिपरापुर के बारे में बात करेंगे, अभी विगत दिनों वहां नालियां वगैरह जाम थी, उस पर क्या कार्रवाई कुछ काफी समय तक था? पिपरापुर कहाँ पे? पिपरापुर बहुत बड़ा इलाका है। जो आपका एरिया है आपके घर के आसपास कहीं पर जाम था? नहीं, कहां पे? मदरसे के बगल में कहीं, जहाँ डाउन लेवल होगा वहाँ ये समस्या आएगी कि वहाँ नाली साफ नहीं हो रहा। नाली तो साफ होता ही, अब बरसात के दिनों में कहीं भी पानी जल जमा होगा, कोई रोक देगा पानी को? है ऐसा कोई नियम तो बताइए, हम भी लगा दें पानी बरसात को रोक दे। तो नगर निगम उसको लेवल को ऊपर करने के लिए कुछ कर रहे हैं? थोड़ी ना लेवल हो जाता है सड़कें। दो आप 10 साल से पार्षद हैं आप वहाँ पे? ये आपकी भूल है, जो आपको बताया है हमसे पहले एक अधीस पार्षद थे, मैं 2.5 साल के लिए इसके पहले पार्षद हुआ था, जो काम उस समय कराया था वही काम अभी बता दो। 5 साल पता नहीं वो क्या की। उसके बाद श्रीमती जी आपकी थी पार्षद? उसके बाद नहीं थी, उसके पहले थी 2.5 साल। ठीक है, 5 साल हो गया, ये आपका दूसरा टेन्योर चल रहा है। हाँ, तो टाइम चल रहा है, तो काम कराए वही जहाँ आप गए थे वही में अभी रास्ता बनाए, तो रास्ता बनेगा तो डाउन लेवल होगा ही, एक बागी नहीं सारा चीज बन जाएगा, यह ऐसा कुछ की एक बागी बन जाएगा। नगर आयुक्त साहब का, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि एक बार नहीं होगा? वाटर लॉगिंग भाई छड़ी तो होगा ही, छड़ी कोई भी रोक देगा, चाहे नगर आयुक्त साहब रोक देंगे या हमारे मुख्यमंत्री साहब रोक देंगे या आप रोक देंगे। बरसात का पानी कोई रोक दे तो बतावे, गढ़ा गढ़ा लोग पाट दे रहे हैं तो पानी कहाँ जाएगा? जो आपको बुलाए थे वही लोग गढ़ा पाटे हैं, उनसे पूछे क्यों गढ़ा पाट दिए हैं? वो खबर देखी थी हम आपकी, जो आपको बुलाए थे वही लोग गढ़ा पाटे हुए हैं, वही नाली पाटे हुए हैं, वहाँ सड़कें खराब हैं। अगर 2 सड़कें बन गई तो 1 सड़क तो डाउन होगा ही, वो भी बनेगा, उसका भी प्रस्ताव दिया हूँ, तुरंत नहीं बन जाएगा। बरसात आ गया तो आप खबर चला दीजिए, बिना हम तो हमारा बयान लिए थे उस समय, आप अगर आए थे हमारे वार्ड में तो हम आपको बताते, खबर के पुष्ट जब होगा, जब वहाँ का जानकार होगा उसका भी बयान लीजिए, आप जनता का बयान लेके चला देंगे खबर बिना हमसे पूछे। आपकी बात एकदम सही है, अगर आप ये साबित कर दीजिए कि मेरे चैनल पर खबर चली है हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। देखिए आपने ये इल्जाम लगाया है और आप जो है बोल रहे हैं कि आपने चलाया, मैं आपसे पहली मरतबा मिल रहा हूँ, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो आप इल्जाम लगाना जल जमा हुआ किसी चैनल? मैं तो पूछ रहा हूँ, काफी का चैनल रहा हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं? कि वहाँ पर जल जमा हुआ है वो कब तक, कहाँ जल जमा हुआ, चलिए दिखाइए जल जमा हुआ। यहाँ पर पार्षद महोदय का साफ साफ कहना है कि आपके चैनल भ्रामक प्रचार कर रही है, ये पूर्णतः गलत है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वहां पर जल जमाव लगा हुआ है, साफ सफाई नहीं है। वहां के लोगों ने जब इनसे संपर्क करने की कोशिश किया तो उसको इन्होंने निकाल दिया। ये नगर आयुक्त साहब की बात को भी बोलते हैं कि वो कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है, कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है कि तत्काल प्रभाव से जो जल जमाव है उसको खत्म किया जा सके। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।